तो यार रिसेंटली एले नाइट WWE के बम्प शो में गए थे, वहाँ पर उन्होंने अपने मनी इन द बैंक के मैच के बारे में बात की, जहाँ पे वो बात करते हैं कि वो मनी इन द बैंक ब्रीफ केस को जीतेंगे जिसके चांसेस सबसे ज्यादा लग रहे हैं। इसके बाद गुंथर हो, सेथ रॉलिंस हो, ऑस्टिन थियरी हो या फिर खुद रोमन रेंस हो, सबके सब उनके निशाने पर रहने वाले हैं और सक्सेसफुली वो अपने मनी इन द बैंक ब्रीफ केस को कैश इन करने वाले हैं। तो लेट्स सी भाई क्या होता है मनी इन द बैंक के अंदर। वैसे एले नाइट के चांसेस सबसे ज्यादा हैं और चांसेस ये भी हैं कि सक्सेसफुली साल मनी द बैंक कैश इन होने वाला है। वैसे यार कैश इन होगा तो किस पर होगा, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप पे, US चैंपियनशिप पे, वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप पे या फिर अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप पे, कमेंट में जरूर बताना। बात करते हैं एज के रिटर्न को लेकर, जो कि WWE ने ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया है। WWE ने एज को एडवर्टाइज किया है 18 अगस्त को होने वाली स्मैकडाउन के लिए, जो कि टोरंटो में स्कॉटिया बैंक एरिना के अंदर होने वाली है। अब यहाँ पर एज अपना रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं या फिर उनका कोई मैच हमें देखने को मिलता है, इसके बारे में कुछ भी ऑफिशियल नहीं है। बाकी वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो अगर तुम लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना WWE की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।